हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस इज पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। आज संडे है और संडे शाम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी देखिए 7:15 के करीब बज रहा है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मनोजीत भी रेडी हो गया है, हम दोनों मूवी के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, तो सोचा थोड़ा मूवी भी देखते हैं। अच्छा अच्छा मूवी आया है तो हम दोनों लाल सिंह चड्ढा देखने जा रहे हैं, तो वही थोड़ी देर में हम लोगों का मूवी टाइम है, तो इसलिए अभी निकल जाएंगे और आके आपको हमारा रिव्यू देंगे कि हमें कैसा लगा। तो फिर आप लोगों ने जो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है जा सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। वैसे रिव्यू तो पता नहीं, लोग तो उतना देख नहीं रहे हैं, लेकिन मनोजीत को बहुत मन था ये मूवी देखने का, तो इसलिए हमने सोचा कि घर बैठ के भी क्या करें तो देख के आते हैं। अच्छा भी हो सकता है, हमेशा रिव्यू देख के मूवी जज नहीं करना चाहिए, कभी कभी आपको पर्सनली बहुत अच्छा लग सकता है, तो इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। और ये रहा मनोजीत, हाय, जा रहे लाल सिंह चड्ढा देखने को। सुना है कि ऑस्कर में कुछ नॉमिनेशन वगैरह, पता नहीं यार क्या हो रहा है, लोगों ने बॉयकॉट किया है, बट फिर भी वीकेंड्स है और सोचता हूँ कि देख ही लूँ, देख के रिव्यू बताऊंगा आपको कैसा लगा। हाँ, देख के आके फिर आपको बताते हैं कैसा लगा। आ गए हैं हम लोग मूवी हॉल, और ये मूवी हॉल ना मेरे घर के एकदम पास है, जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो जल्दी से हम लोग आ गए हैं। अभी एक एक करके सारे लोग आ रहे हैं बैठने, थोड़ी देर में मूवी शुरू हो जाएगी, तो बहुत एक्साइटेड है कि कैसा मूवी है, देखते हैं। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि मंडे मॉर्निंग, सो आज है इंडिपेंडेंस डे और आप लोग होपफुली बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आज के दिन। वैसे भी ऑफिस वगैरह छुट्टी तो है, तो घर में खाना वाना खाइए, इंडिपेंडेंस डे मजे करिए, एंड आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम दोनों थोड़ा निकल रहे हैं बाहर, बाहर ही सोच रहे हैं आज ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और थोड़ा घूम के भी आएंगे आसपास। वीकेंड जो था वो थोड़ा लॉन्ग वीकेंड था, तो बहुत लोग बहुत बहुत जगह गए हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत घूमे हैं, आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेंगे कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, और अच्छा ही वीकेंड था ये, और हम लोगों ने एंजॉय बहुत किया। अभी निकल रहे हैं बाहर, थोड़ा खाना में खा लेते हैं, ऐसे वीकेंड्स मिलते नहीं है लॉन्ग वीकेंड्स। हम लोग निकलने ही वाले थे कि अचानक से कुछ आवाज़ आया, तो हम लोग आके देखते हैं कि ये स्कूल से स्टूडेंट्स लोग जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल जो प्रोग्राम्स रहता है ना, वही सब गाना गा के और भारत माता की जय ये सब बोल के, तो अच्छा लग रहा था बहुत, और बचपन की याद आ रही थी कि हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे जाते थे, कभी कभी तो बहुत कुछ एक्ट वगैरह होता था तो वो सब भी करते थे, तो वही सब याद आ रहा था। बाहर जा रहे हैं और आके फिर मैं दोपहर का लंच वंच जो भी है वो बनाऊंगी। हमारे सोसाइटी में भी फ्लैग होस्टिंग हो चुका है, तो मैं उस टाइम नीचे नहीं आ पाई, तो अभी देखिए कितना अच्छे से सोसाइटी को सजाया गया है, चारों तरफ ऐसे फ्लैग्स लगाए गए हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं और मैंने यहाँ पे उपमा लिया है, मनोजीत को ना उपमा उतना पसंद नहीं आता, लेकिन उस दिन उसने मेरे से यहाँ से थोड़ा सा टेस्ट किया और फिर उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसे सादा खाना ही सुबह सुबह अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो मैंने उपमा लिया इसलिए, और मनोजीत ने लिया वही अपना मिसल पाव, उसको यही पसंद आता है वहाँ पे ज़्यादातर, उसको इडली डोसा ये सब ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो अभी हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, घर जाके फिर मुझे लंच वगैरह सब कुछ बनाना है, तो सिंपल सा ही कुछ बनाऊंगी आज। हे दोस्तों, दोपहर में अभी मैं आपसे मिल रही हूँ और अभी हो गया है हम लोगों का लंच टाइम, तो आज वैसे रेसिपी वगैरह कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया, तो अभी सोचा कि आपको दिखाती हूँ आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल लंच में क्या बना है। स्पेशल ज़्यादा कुछ नहीं बनाया हम लोग, बहुत सिंपल सा आज खा रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल सा आज हम खा रहे हैं तो दिखाती हूँ मैं आपको।
तो यहाँ पे देखिए फिश करी है, पतला सा करके प्याज और टमाटो के साथ मैंने ये फिश करी बनाया है। मसूर की दाल है और साथ में है कैप्सिकम के पकोड़े, थोड़ा सा मैंने मनोजीत को भी दे दिया है। तो यही सिंपल सा आज का लंच है हमारा। और ये रहे मिस्टर मनोजीत। इंडिपेंडेंस डे में बहुत अच्छा खाना है, मतलब सिंपल सादा बंगाली खाना तो पसंद ही आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी लंच वंच कर लीजिए, मिलते हैं फिर शाम को। हाँ, बहुत भूख भी लग चुका है तो जल्दी से खा लेना ही ठीक होगा। एवरीवन, अभी शाम हो चुकी है तो शाम का दियावती हो गया और अभी ये देखिए गर्मा गर्म समोसे और चाय ये चल रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले निकल के ना लेके आई हूँ, बहुत क्रेविंग्स हो रहा था मुझे समोसा खाने का और आज बारिश भी हो रहा है ना तो मन कर रहा था, और इंडिपेंडेंस डे है तो सोचा कि लेके आते हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। और ये रहा मनोजीत। गरम समोसे, इंडिपेंडेंस डे खत्म, कल सुबह से नौकरी से चालू, काम जाना चालू, तो होपफुली आप लोगों ने भी वीकेंड अच्छा एंजॉय किया होगा। आज तो खत्म हो रहा है, कल से स्टार्ट है, मिलते हैं आपके साथ फिर से। ये देखिए गर्मा गर्म समोसे, और ये जो मनोजीत खाना भी शुरू कर दिया, मेरे लिए एक सेकंड भी वेट नहीं करता है ये लड़का। और यहाँ पे है चाय, तो मैं तो अभी मिल्क टी बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा लिकट चाय लिया है मैंने, और साथ में यहाँ पे चटनी, धनिया पत्ता पुदीना पत्ता वाला और मीठा चटनी मैंने एक साथ मिक्स कर दिया है। ऐसे खाने में ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये मिक्स करके, तो इसके साथ अभी ये वाला खाऊंगी। चाय वगैरह पीना हो गया हम लोगों का, तो अभी कुछ शेयर करने के लिए आपके साथ आई हूँ कि कल जो हम लोग मूवी देखने गए थे ना लाल सिंह चड्ढा, तो बोले थे कि आके उसका रिव्यू देंगे, तो बताते हैं आपको। ये जो इंसान है ना इसके चलते मैं कल गई थी ये मूवी देखने, नहीं तो नहीं जाती। मैं बार बार बोल रही थी कि फ्लॉप हुआ है मत जाओ चलो, लेकिन ये बोल रहा था मूवी अच्छा होगा चलो चलते हैं। फॉरेस्ट गम का रीमेक है ये, और 1994 में मैंने ये मूवी देखी नहीं थी। लाल सिंह चड्ढा के चलते ही मैंने जाना कि इतनी अच्छी हॉलीवुड मूवी है जिसका रीमेक बन रहा है। पता नहीं लोगों ने क्यों इसको बॉयकॉट किया, पता नहीं, देखा भी नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मूवी, नाइस पीस ऑफ एक्टिंग बाय आमिर खान, और बहुत अच्छा लगा यार, मतलब दिल को छू गया मूवी। बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर मूवी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, तो अगर आपको मन कर रहा है तो प्लीज जाओ देखो जाके, रिग्रेट नहीं करोगे इतना जरूर बताऊंगी। जैसे RRR देख के अच्छा लगा था कि हाँ पैसा वसूल मूवी है, वैसा वाला एक मूवी है, बहुत सुंदर मूवी है, स्टार्टिंग टू एंडिंग आप थ्रू आउट एंजॉय करोगे। ये थोड़ा मूवी इंटेलेक्चुअल टाइप का है, मतलब थोड़ा इमोशनल टच है उसमें। मूवी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो, हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं वैसे देखने के लिए, पता नहीं अब आपके ऊपर। हमें इतना अच्छा लगा ना इसलिए हमने सोचा कि आपको भी बताते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छा है, आप जरूर एक बार ट्राई ले सकते हो। और चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाइफोकल जिंदगी।